शंकर में शंकर सवारा नारा है। युवक की मौत के विरोध में सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ब्लैक डे मनाया गया। सैकड़ों किसानों और युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले की शव यात्रा निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने मोदी का पुतला फूंका। सैकड़ों किसान और युवक आक्रोश स्वरूप काले झंडे लेकर और कंधों पर काली पट्टियां बांधकर शव यात्रा में शामिल हुए। किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर जाम लगाया और हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। का सवाल हो चाहे वो बिजली कानून जो पास कर दिया वो रद्द किया जाए। आप देखेंगे राजस्थान में 1,39,00,000 जो मीटर घरेलू चालू है उनको रद्दी में फेंकेंगे और महंगे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपया केवल मीटर पे इस नए कानून के तहत होगा। निश्चित रूप से जितना पैसा आप डालेंगे जिस दिन खत्म होगा अपने आप कनेक्शन कट जाएगा। क्या राजस्थान में बिजली में काम करने वाले लोग नहीं है? क्या लोग राजस्थान में नहीं है? नौजवान है लेकिन उनको नौकरी नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी जो अमित शाह के यारों की है वो 1.5 करोड़ मीटर स्मार्ट मीटर खरीदेंगे। आज जिस तरह से खट्टर की गोली से अमित शाह के निर्देश से एक हमारे किसान भाई ने जो 20 साल का उपकरण जिसकी गोली से हत्या की है, देश की राजधानी दिल्ली में किसान का पैदा किया हुआ अनाज जा सकता है, सब्जी और दूध जा सकता है लेकिन वो पैदा करने वाला किसान दिल्ली नहीं जा सकता। इससे बड़ी अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। हरियाणा में हरियाणा की खट्टर सरकार ने अमित शाह के इशारे पे गोलीकांड करवा करके, आंसू गैस या लाठी कोई बड़ी बात नहीं, गोलीकांड करवा करके एक किसान शुभकर्ण सिंह को हत्या कर दी। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन काला दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित वो तमाम मांगे हैं जो उस दौरान 13 महीने के आंदोलन के दौरान थी, उनको लेकर के आने वाली 26 तारीख को किसानों के सीकर जिले में भी ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे, दिल्ली की तरफ मुँह करके एक दिन खड़े रहेंगे और उसके बाद 14 मार्च की जो रामला मैदान दिल्ली में आम सभा होने जा रही है उसकी हर घर तक हम पेड़ चावल दे करके तैयारी करके दिल्ली के रामला मैदान की सभा में भी सीकर से भारी संख्या में किसान वहां जाएंगे। निश्चित तौर पे दो दो हाथ, न केवल एक शुभकर्ण, और भी यदि फायरिंग करती है मोदी और अमित शाह की सरकार और भी किसान पे जुल्म करती है तो भी भारी संख्या में किसान जाएगा। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के ऊपर दमन कर रही है और जबरदस्ती अपनी नीतियां लागू कर रही है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 21 साल के युवक शुभकर्ण सिंह की बुधवार को पुलिस एक्शन में मौत हो गई। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार मृतक युवक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा दे तथा किसान आंदोलन में शहीद हो रहे किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। जाखड़ ने कहा कि देश के किसान और युवाओं ने मोदी सरकार को पहले भी झुकाने का काम किया है और इस बार भी किसान और युवा केंद्र सरकार को झुका करके ही रहेंगे। जो हरियाणा और मोदी सरकार जो किसानों के ऊपर दमन कर रही है, इस दमन के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज काला दिवस के रूप में मनाया और आज इसी के तहत एसएफआई सीकर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर मोदी सरकार का पुतला दहन किया है और मोदी सरकार से मांग की है कि जो हमारा जो नौजवान किसान साथी था उसके परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले और साथ ही साथ जो किसानों की मांग है उन मांगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले वक्त में किसानों के साथ में देश का नौजवान और विद्यार्थी भी सड़कों पर आएगा और इस किसान आंदोलन को मजबूती से मोदी सरकार के सामने हम दो दो हाथ करने का काम करेंगे और मोदी सरकार को झुकाएंगे और किसानों की जो जायज मांगे हैं MSP की बात है इस मांग को हम मनवा कर। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह जाखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर अत्याचार करवा रही है। किसानों पर एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है और गोलियां बरसाई जा रही है जिसमें प्रदर्शनकारी किसान शहीद हो रहे हैं। सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज ब्लैक डे मनाया है। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के इस्तीफा देने की मांग की गई है। जाखड़ ने कहा कि किसानों के हत्यारे अमित शाह, खट्टर और अनिल विज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जाखड़ ने बताया कि 26 फरवरी को सीकर के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के अपने गांव कस्बों से दिल्ली की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर अपना ट्रैक्टर खड़ा करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक अमराराम, पेमाराम, रामरतन बगड़िया, जसवीर भूकर, हरिराम मील, जयंत खीचड़ सहित बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी समय में हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि किसान को कमजोर नहीं समझे। किसान आहिस्ता 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 किसानों पे जो भी जुल्म हो रहे हैं उसको समझ रहा है और किसान कभी भी दबा नहीं है। जो देश का अन्नदाता है उसको पुलिस से मरवा रही है सरकार और इस सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। 26 को क्या करोगे? 26 तारीख को किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर अपने गांव, अपने कस्बे से दिल्ली की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर ट्रैक्टर पूरे दिन खड़ा करेंगे और वहां WTO जो 26 से 29 तक अबू धाबी में भारत सरकार मीटिंग में जा रही है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि कृषि क्षेत्र को WTO से अलग निकाला जाए। तो WTO के पुतले जलाए जाएंगे स्थान स्थान पर और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको ये बताया जाएगा कि किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों के लिए आपका समर्थन चाहता है, अपनी एकजुटता दिखा रहा है। और उसके बाद 14 तारीख का जो महापंचायत है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में उसके लिए किसानों की मजदूरों की पैदल यात्राएं होंगी और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद बड़ी संख्या में 14 मार्च को 10 लाख से